ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ ना, जब तुम दोनों 18 साल की हो जाओगी तब देखना इस वीडियो को, ठीक है? अगर मैं जिंदा रहा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो तुम खुद देखना। नॉर्मली इसे प्यार की निशानी कहते हैं, व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसकी ना नींव लकड़ी की थी, लकड़ी की नींव के ऊपर ये पूरा का पूरा बना हुआ, पता है तुम्हें? हाँ, आ जाओ। ये टोपी वगैरह कुछ नहीं, ये सिर्फ सेल्फी पॉइंट में है, सेल्फी कटवाने के लिए रखा है, ठीक है? कह रहा जब बड़े हो जाओगे ना तो यहाँ रखना। ये बेटा तुम्हें बता देता हूँ, कभी तुम अमीर हो जाओ ना, बहुत अमीर हो जाओ, सुनो सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो, रानी ऐसी नहीं होती। अरे सुनो, कभी तुम पे बहुत पैसा आ जाए और अमीर हो जाओ तो मेरे को ना ऐसी घड़ी गिफ्ट करना, ठीक है? देखो कैसी, ऐसी ऐसी, ठीक है? देख लो अच्छे से, आ जाओ। अब ये देखो महात्मा गांधी, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, जो जनता ने इनको उपाधि दी है, संवैधानिक तौर पर है ना, ठीक है? आ जाओ। अब हमारा वीडियो ना, अब ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? देखो जूनागढ़ का केस और हैदराबाद का केस लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे आयरन मैन ने हैंडल किया था, नाम भूल रहा हूँ उनका फिलहाल के लिए। आयरन मैन का नाम क्या था, जब बता दूंगा लास्ट में ऐड करके। पर कश्मीर का मुद्दा इन्होंने हैंडल करा था, सर थोड़ा अच्छा हैंडल हो सकता था, जीत रहे थे ना, ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया, दिमाग बहुत अच्छा है, गजब बंदा। अब ये शेख सौद बिन अब्दुल्ला, इनका पूरा नाम मैं प्रोनाउंस करने पे मेरी जीप पलट जाएगी, नहीं करना चाहता, बट हाँ ये सऊदी में जो लोगों का जो कल्चरल ड्रेस है वो यही है, वो इसी तरीके से पहनते हैं, ये बता सकता हूँ। नाम के बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता कि ये कौन है। ये है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत कम लोग हैं जिनके नाम के आगे मैं सर लगाता हूँ, वो पूरी तमीज के साथ, क्यों? क्योंकि वाकई में सर कहने लायक है। बट कुछ बात ऐसी है कि इन्होंने ना कई सारे अपने जो आविष्कार हैं वो पेटेंट दूसरे से चोरी किए थे, ठीक है? लाइट बल्ब का पेटेंट इन्होंने निकोलस टेस्ला का आइडिया था। तो ये है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह प्रवीण भाभी, इनके बारे में मुझे कुछ खास डिटेल नहीं पता कि अगर ये सिंगर वगैरह थी तो इनके बारे में कोई डिटेल पता नहीं। यह चार्ली चैपलिन, मैं ये कहूँगा कि पता नहीं, चार्ली चैपलिन जब अपने पीक पे थे तो वो इस समय ऐसे नहीं दिखते थे, वो इससे बेटर दिखते थे, जो गाल वाल दसे हुए ना ऐसा बंदा नहीं था। आप उसकी ब्लैक एंड वाइट मूवीज देखोगे ना, बहुत बढ़िया हैंडसम बंदा था। और चार्ली चैपलिन की सबसे खासियत बात है, अगर आप नीचे की तरफ फोकस करेंगे, उस बंदे को 6 नंबर का जूता था और वो 11 नंबर पहनता था, क्योंकि उसकी कॉमेडी स्टाइल में वो उसको फायदा देते थे कॉमेडी करने में। अब आइए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मिस्टर बीन का मिस्टर बीन है ये प्रोग्राम, मैंने हम लोगों ने बचपन से देखा था मेरे ख्याल से, ठीक है? तो मिस्टर बीन के अगर हम सोचें कि भाई इसके तो बहुत सारे एपिसोड थे, पर नहीं, इसके हाथ मार करके 15 से लेकर के 30 तक एपिसोड थे, और उन्हीं को देख करके ऐसा लगता था पता नहीं हजारों एपिसोड है इसके तो। और इधर क्या है, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन सॉन्ग्स, मतलब मैं कहना चाहूँगा इसको, मैंने भी उपाधि मैंने खुद दी है, ऐसे कुछ मिली नहीं, बट ये बहुत बढ़िया गाने हैं, मेरे पिताजी इनके गाने आज भी सुनते हैं, और इनके गाने क्लासिकल में हमेशा ही जीवित रहेंगे। एक वो भी दिखाना, ये है मिस्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, संविधान की रचयिता। देखो एक देश किस हिसाब से चलेगा उसको डॉक्यूमेंटेड लिखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, जो इस बंदे ने करा, और उस समय एक यही बंदा ऐसा क्वालिफाइड था जो कर सकता था। अगर हमारा संविधान उस समय नहीं लिखा होता तो हमारी हालत पाकिस्तान की तरह होती, क्योंकि पाकिस्तान का संविधान बनने में ही 1955 या 1957 लग गया था, 10 साल बाद। इंडिया में अगर 10 साल लग जाते तो इंडिया में तो पूरी इंडिया को कब्जा कर लेते। ये देखो मदर टेरेसा, इन्होंने इंडिया बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे। मेरे स्कूल टाइम की एक लड़की थी सुदीप्ता, वो भी इनके ग्रुप में गई थी। साल में 2 साड़ियाँ और ब्लाउज के लिए कपड़ा और खाना पीना मिलता है, बाकी साधु संत की तरह रहती है। अब हम उधर सामने चलते हैं,
ये जस्ट दुल्हन का एक ड्रेसिंग। देखो मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मैं इसे एज ए ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं बस रैंडम बता रहा हूँ। ब्रूस ली, ठीक है, इनकी टोटल 13 मूवी आई थी, ठीक है, लास्ट मूवी में ये मर गए थे क्योंकि कोई प्रॉप था, कोई प्रॉप जब चलाया गया था और प्रॉप गलत तरीके से चला था तो ये मर गया था। इसका बेटा, ब्रूस ली का बेटा ब्रैंडन ली, उसकी मूवी थी क्रो, उसका बेटा भी उसी तरीके से मरा था। एक वो प्रॉप गन थी, उसमें बारूद ज़्यादा भर गया था, चलाई गई तो उसके बेटे को लग गई थी, तो इसका बेटा भी इसी तरीके से मरा था। एडल्फ हिटलर, अमेजिंग पर्सन, इसने मतलब बंदे ने अच्छा काम करा हो, बुरा काम करा हो, हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा दिया इस बंदे ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉप शॉट बंदा यही था, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये अपने आखिरी समय मिला है कि 1945 के राउंड में इसको पार्किंसन डिजीज हो गया था। अरे हाथ मत लगा उसको, कुछ हाथ नहीं लगाओगे, पार्किंसन डिजीज, उसमें ना हाथ काफी लग जाते हैं। तो यूजली आप उनकी मूवी में भी देखोगे जो इसकी मृत्यु का समय दिखाते हैं, उसका हाथ काटते हुए दिखाते हैं, तो उसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। मोहम्मद अली को भी टच मत करो, मोहम्मद अली को भी यही बीमारी होती है, वो बॉक्सिंग चैंपियन था, तो लास्ट मैच में उसके भी हाथ काटते हुए आप वीडियो में देख सकते हो। नाउ दिस वन, सद्दाम हुसैन। सो मतलब जब यूएस ने इनके अटैक किया था तो वो इसी ही बोल करके अटैक किया था कि इनके पास जैविक हथियार हैं, केमिकल वेपन्स हैं, हालांकि यूएस को घंटा कुछ नहीं मिला। इन द एंड वो इराक ईरान पे मतलब वहाँ पे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना चाहते थे थोड़ा सा, और बाद में उनको हेल्प मिली ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में, बस। और मतलब उनको कुछ नहीं मतलब था कि इनके पास केमिकल वेपन है या बायो वेपन है या बायो केमिकल वेपन है, यूएस को मतलब नहीं था। ये बेनजीर भुट्टो, ये जितनी अमेजिंग पॉलिटिशियन थी, उतना ही चूतिया इनका लड़का है बिलावल भुट्टो। उसको आप पाकिस्तान का राहुल गांधी बोल सकते हो, क्या बोलना चाहिए, ये हमारा धर्म है। ये है प्रिंस डायाना, ठीक है। तो जो इंग्लैंड में जो राजसी घराने के जो लोग थे, तो ये इन्होंने ब्लैक ड्रेस उस समय पहनी थी जब इनको पता लगा था कि इनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो इन्होंने ये, हालांकि वहाँ पे मतलब क्वीन को इस तरीके से रिपीटिंग ड्रेस पहनना अलाउ नहीं है, और उन्होंने पहना था एज अ रिवेंज ड्रेस फॉर ब्लैक ड्रेस, हालांकि ब्लैक अलाउ नहीं होता पर उन्होंने पहना, तो उस टाइम ये बहुत ही सूट हो गया। ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो, आज मुझे पता लगा इनका नाम लियोनार्डो विलियम डिकैप्रियो है, और वो केट विंसलेट। सो हालांकि ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, ठीक है, और आप उस समय की मूवी देखेंगे बट स्टिल उन्होंने इस जो वो थे जो डायरेक्टर थे उन्होंने टाइटैनिक का बहुत ही बढ़िया दिखा, इनके थ्रू बहुत ही बढ़िया से दिखाया था कि टाइटैनिक में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी नहीं आई। इस बंदे को उस समय उस मूवी का ऑस्कर मिल जाना चाहिए था, पर इसको अब जाकर ऑस्कर मिला है। इस बंदे को सोचो, मतलब इतने दिनों बाद इसने इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी को अब जाकर रिसेंट शायद 2.5 साल पहले ऑस्कर मिला है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, इसे टच मत करो। द किंग ऑफ माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन बचपन में अगर इनके ग्रुप को देखोगे ना तो इनका नाम था जैक्सन 5, क्यों, ये 5 भाई थे, माइकल जैक्सन उसमें सबसे छोटे थे, ये सांवले थे, ठीक है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये सांवले थे। तो बाद में इन्होंने सर्जरी करा के अपने गोरा करा, सर्जरी करा के गोरा करा अपने आप को, ठीक है। सो इसलिए जो आप बाद में इनकी वीडियोज़ देखते हो कि नाक वाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसके साइड इफेक्ट की वजह से। पर अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, यूएस में जो बेसबॉल गेम होता है उसमें जो हाफ टाइम शो होता है, उस शो की शुरुआत इस बंदी की वजह से हुई। मतलब जब पहला शो हुआ था, क्योंकि लोगों का बेसबॉल से इंटरेस्ट खत्म हो गया था, तो क्या किया गया था कि माइकल जैक्सन को बुलाया गया, माइकल जैक्सन आते हैं सिर्फ स्टेज पे 90 सेकंड खड़े रहते हैं,
और क्राउड उसमें पागल, और उसके बाद से ये चलन चालू हुआ कि हाफ टाइम शो होगा कुछ ना कुछ, वो होता है वहाँ पर हमेशा जो भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं हाफ टाइम शो। सैफ सलमान इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। बच्चों इधर आओ, ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़े होकर के तुम्हें याद रहेगा, ठीक है ना। एंजेलिना जोली, मेरे बचपन का प्यार, तो थोड़ा पास तो जाओ, तो ये मेरे बचपन का प्यार है, ठीक है। सो इनकी बहुत सारी मूवीज मैंने देखी है, सब कुछ सही लगता है, ठीक है। अरे सुन लो, तुम बड़े होकर के तुम्हें दिखाऊंगा मैं ये वीडियो, ठीक है। सो ये मेरे बचपन का प्यार, इनकी मूवीज देखो, बाकी इनकी पर्सनल लाइफ इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग है नहीं, वही शादी और फिर तलाक, ये इन लोगों का चलता रहता है। मिशेल ओबामा एंड बराक ओबामा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूएस का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये उनकी पत्नी। खास बात देखो, इस बंदे को शांति पुरस्कार मिला है, बल्कि इस बंदे ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए दो देश तबाह कर दिए, और पाकिस्तान में घुस करके इनकी सील टीम 6 ने ओसामा बिन लादेन को मारा, बट इसको शांति पुरस्कार मिला। वेल गुड, ऐसा मैं भी करना चाहूँगा। ये दुल्हन दुल्हन की मूर्तियाँ, इसमें खास बात देखो, दुल्हन कितनी खुश है, दूल्हा बिल्कुल उदास बैठे। ये है अमिताभ बच्चन जी, खैर ये इनकी जवानी की भी मूर्ति नहीं है, ये उनके बुढ़ापे की बनाई गई है। अगर आपने गौर किया हो तो इनके सर के बाल लाल दिखाने की कोशिश की है, यूजली इनके सर के बाल काले होते हैं और दाढ़ी सफ़ेद होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट करिश्मा यही कर सकते हैं कलर लगाने के बाद। और ये है पिटबुल, ये बंदा गंजा है नहीं, ये साला छिलवा करके रखता है अपने आप, इसलिए गंजा लगता है। हाँ, पर ये है इसका पहनने वहनने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत ही एक्यूरेट बता रहा हूँ। और बाकी एक और चीज़ है जो ये है गणेश, ठीक है, इनको किसी भी बैनर नाम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे मेन फिगर जो यहाँ पे है वो यही है, ठीक है। इस मूर्ति को टच करने पे कोई फाइन भी नहीं है, पर जो भी है मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि दुनिया का सबसे पहला बॉडी पार्ट का ट्रांसप्लांट इन्हीं पे फिट किया गया था, ठीक है। सो बच्चों इधर देखो, मेरे को देखो गौर से, ठीक है। जब मैं बुढ़ा हो जाओ, तुम बड़े हो जाओगे, तो तुम इसी वीडियो को देखो, ठीक है। मैं रहा जीवित तब तक तो मैं दिखाऊंगा, मैं नहीं रहा तो तुम लोग खुद देखो, ठीक है, समझ गए पापा, पापा।